हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमन मालू। आई जॉइंड आकाश बायजूस लास्ट ईयर। वन ऑफ माय सीनियर फ्रेंड हु सिक्योर्ड अ वेरी गुड रैंक इन जेई टोल्ड मी अबाउट आकाश। आई जॉइंड आकाश बायजूस फॉर वन ईयर क्लासरूम प्रोग्राम बिकॉज आकाश बायजूस इज़ वेरी पॉपुलर इन माय सिटी। इट हैज़ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी एंड द स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड हियर इज़ ऑल्सो वेरी गुड। आई डिसाइडेड टू परस्यू इंजीनियरिंग इन क्लास 10th। My elder brother is also pursuing engineering. He inspired me a lot to do engineering. I also had interest in computer science branch, so I decided to pursue engineering. I appeared for ENTHE in 2021. I secured All India rank 60 and received 100% scholarship. Many of my seniors wrote ENTHE and got a very good scholarship. As we know, ENTHE is a very popular scholarship exam. और मेरे बड़े भाई ने भी मुझे कहा था ENTHE देने के लिए। उन्होंने बताया कि ENTHE के क्या क्या benefits है और ENTHE से हमें यह भी पता लगता है कि हम पूरे नेशन में कहाँ पे स्टैंड करते हैं, इसलिए मैंने ENTHE दिया। आकाश मॉड्यूल्स आर मोर देन इनफ। आकाश के मॉड्यूल इस तरह से डिज़ाइन है ताकि जेई में अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, स्टूडेंट अच्छे से कॉन्सेप्ट को ग्रेस्प कर सके, इसलिए आकाश मॉड्यूल इनफ है। और मैंने आकाश मॉड्यूल के अलावा और कोई बुक नहीं करी थी। आकाश की डीवी सक्सेस मैग्नेट और सक्सेस अचीवर करी थी। फाइनल टेस्ट सीरीज से मुझे एग्जाम एनवायरनमेंट का एक्सपोजर मिला और मैंने अपने स्कोर को इम्प्रूव करा। उससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया, मैंने कौन से सब्जेक्ट पर कितना टाइम देना है ये चीज़ मैंने सीखी, इसलिए फाइनल टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल थी। अपने शेड्यूल को डेली बेसिस पे फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा एक पैटर्न बनाया हुआ था, मैं रोज़ सुबह फिजिक्स पढ़ता था, फिर मैथमेटिक्स एंड देन केमिस्ट्री, और मैं रोज़ रिवाइज करके सोता था। मैं अपने सारे टारगेट्स को एनालाइज करता था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, और मैं अपने टारगेट्स को कंप्लीट करता था। ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, कभी कभी शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता था, तो मैं अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए डेली बेसिस पे हाफ एन आवर अपने पेरेंट्स के साथ बात करता था, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता था और उसका सॉल्यूशन जरूर करते थे। वीकली बेसिस में कभी कभी अपने बड़े भाई से भी बात कर लिया करता था, वो भी मेरी प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व करते थे। मैं कभी ना कभी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी कर लेता था ताकि मेरा माइंड चेयर अप रहे। हर कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने के लिए मैं आकाश के क्लासरूम के सारे लेक्चर्स को अटेंड करता था और क्वेश्चंस को सॉल्व करता था। चैप्टर खत्म हो जाने के बाद मैं आकाश के दिए हुए मॉड्यूल्स को अच्छे से सॉल्व करता था और अपनी प्रिपरेशन को एनालाइज करने के लिए मैंने आकाश के कंडक्टेड टेस्ट जैसे कि FTS, टर्म टेस्ट, AITS को भी दिया था। उनमें जो मिस्टेक्स हुई उनको पहचाना और उनको सही करा, और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए मैंने सक्सेस मैग्नेट, सक्सेस अचीवर जैसी बुक्स को भी सॉल्व करा। और कभी लेक्चर मिस हो जाते थे तो मैं आई ट्यूटर की भी मदद ले रहा था, उससे भी बहुत हेल्प मिली। डाउट सेशंस होते थे तो टीचर ने भी उसमें हमारे सारे डाउट्स को क्लियर करा। इस तरह मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बहुत सही। कभी कभी टेस्ट में लो मार्क्स आते थे तो फिर बुरा लगता था, डिमोटिवेट होते थे, लेकिन टीचर्स ने बहुत मदद करी। टीचर्स ने हमेशा मोटिवेट करा कि मिस्टेक्स को पहचानो, टेस्ट में इम्प्रूव करो, और पेरेंट्स भी हमेशा साथ थे। मेरी जर्नी में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा रोल था। उन्होंने मुझे सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाए, उनके एप्लीकेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाई थी। जब भी मुझे कोई डाउट्स आते थे तो मेरे सारे डाउट्स क्लियर करते थे, उनकी तरफ से कभी भी मेरा कोई डाउट पेंडिंग नहीं रहा। मेरी प्रिपरेशन में मेरे पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट करा, एनकरेज करा ताकि मैं और अच्छा करूँ, और मुझे हमेशा हार्डवर्क करने के लिए प्रेरित करा। मेरे पेरेंट्स को स्पेशल थैंक यू। डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करने के लिए मैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कम एक्टिव रहता था और मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों को यूज़ करता था जिनसे मेरा फायदा होता था और टाइम वेस्ट नहीं होता था। मैं व्हाट्सएप का यूज़ भी अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए ही करता था और मैंने कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट को यूज़ नहीं किया। प्रिपरेशन का लास्ट मंथ बहुत क्रूशल होता है। इस मंथ को यूटिलाइज़ करने के लिए मैंने अपने रिवीजन को बहुत स्ट्रॉन्ग रखा, जो भी टॉपिक पढ़े हुए थे उनको अच्छे से रिवाइज़ करा, और मैं टेस्ट डेली बेसिस पे देता था ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स को पहचान सकूं और उन्हें रेक्टिफाई कर सकूं और अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकूं। मैंने कोई भी डाउट्स को अनरिजॉल्व नहीं छोड़ा, मैंने अपने टीचर से सारे डाउट्स क्लियर करे और आकाश की टेस्ट सीरीज से बहुत हेल्प मिली। मेरी सभी जे एस्पिरेंट से ये एडवाइस रहेगी कि मेरा जो रिजल्ट है वो एक दिन की मेहनत से नहीं आया है, ये पूरे 2 साल के हार्डवर्क से आया है। इसलिए आपके पास जो भी टाइम बचा है उसमें आप कंटिन्यूसली हार्डवर्क करते रहे और कंसिस्टेंट रहे अपनी प्रिपरेशन में। हमेशा टेस्ट दे, और टेस्ट में लो मार्क्स आए तो कभी डिमोटिवेट नहीं होना है, उनकी मिस्टेक्स से एनालाइज करना है और मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना है। कभी भी कोई डाउट आए तो हेजिटेट नहीं करना है टीचर से पूछने में, अपने डाउट सारे क्लियर करने हैं और हमेशा अपनी प्रिपरेशन में कंसिस्टेंट रहना है। थैंक यू।